नमस्कार दोस्तों, कॉमर्शियल फार्मिंग यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं सुभाष झाझड़िया जयपुर राजस्थान से। दोस्तों, आज के वीडियो में अपन ऐसी सब्जियों की खेती के बारे में चर्चा करेंगे जो कि बरसात के समय में कर सकते हैं, जैसे जुलाई महीने में जिनको लगा सकते हैं और जो कि अगस्त सितंबर अक्टूबर महीनों के अंदर वो स्टार्ट हो सकती है और उनसे बहुत ही अच्छा मुनाफा मिल सकता है, क्योंकि बरसात के समय में बहुत कम सब्जियां ही मार्केट के अंदर रहती है। इन महीनों में तो अधिकांश सब्जियों के भाव बहुत ऊंचे रहते हैं, तो आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो आज ऐसे इन सब सब्जियों के बारे में चर्चा करेंगे आज के वीडियो में, जो कि अपन अभी जुलाई महीने में इनको लगा सकते हैं। तो वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी का आइकन भी दबा दें, जिससे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन भी आपको समय पे मिलते रहे। दोस्तों, तो दोस्तों बरसात के अंदर यानी कि जुलाई महीने में अपन कौन कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं, तो सबसे पहले तो मैं उन सब्जियों के बारे में आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी दे देता हूँ जो कि अपन इस समय में लगा सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में मैं ये बताऊंगा कि मैं कौन सी सब्जियां लगाऊंगा जिससे आपको आने वाले समय में उनके नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे और उनके ऊपर डिटेल से वीडियो भी आता रहेगा। तो वीडियो पूरा जरूर देखें, अंत तक जरूर बने रहें। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इस समय में नर्सरी तैयार करने वाली किन किन फसल सब्जियों की आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं जो कि नेक्स्ट मंथ के अंदर आप रुपाई कर सकते हैं। तो आप इस समय में गोभी की नर्सरी तैयार कर सकते हैं, दोनों ही तरह की गोभी की नर्सरी अगेती किस्में आप लें और उनकी नर्सरी आप लगा सकते हैं, जिसके अंदर आप पत्ता गोभी भी लगा सकते हैं और फूल गोभी भी लगा सकते हैं। इसी तरह से आप इस समय टमाटर की नर्सरी तैयार कर सकते हैं, मिर्ची की नर्सरी तैयार कर सकते हैं, बैंगन की नर्सरी भी आप तैयार कर सकते हैं जो कि लगभग एक महीने के अंदर तैयार हो जाती है। तो आप इन फसलों की आप नर्सरियां करके अगले महीने में उनकी रुपाई कर सकते हैं, जो कि बहुत गोभी आपकी जल्दी तैयार हो जाएगी। बाकी मिर्ची, बैंगन और टमाटर ये तीनों ही फसलें लंबी चलेगी, सर्दियों तक भी चलने वाली है और बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट दे सकती है। दूसरा, फिर अपन बात करते हैं इस समय में और कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं। तो कुछ बेल वाली फसलें अपन लगा सकते हैं, जैसे उनके अंदर कद्दू आ गया, लौकी आ गई, तुरई आ गई, करेले आ गए, खीरे आ गए। तो इन तरह की आप बेल वाली फसलें इस समय में ले सकते हैं जो जिनका भी बहुत अच्छा उत्पादन आपको मिल सकता है। और इसी तरह से आप मूली की खेती इस समय में कर सकते हैं, जो कि अभी आप बरसात के थोड़ी सी मुश्किल जरूर रहती है, लेकिन आप कर सकते हैं अगर आपने थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से किया, अच्छी पद्धति से किया, तो आप मूली की खेती भी कर सकते हैं, उसका भी आपको बहुत ही अच्छा मुनाफा इस समय में मिल सकता है। इसी तरह से हरे प्याज की कर सकते हैं या और हरी सब्जियां भी आप लगा सकते हैं, जैसे पालक हुआ, मेथी हुई, इन तरह की सब्जियां भी आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो थी अभी लगाने वाली सब्जियों की बात। अब बात करते हैं कि मैं कौन कौन सी सब्जी लगा रहा हूँ इस समय में, तो जिनके वीडियो आपके लिए डिटेल वीडियो भी आएंगे चैनल के ऊपर। तो सबसे पहले तो अपन जहाँ खड़े हैं यहाँ पे मैंने कद्दू लगा रखा है, तो ये कद्दू है। उधर आप आगे देखेंगे तो जो आपको मल्चिंग दिखाई दे रही होगी, तो वहाँ पे अपन करेले लगाने जा रहे हैं। करेले से इधर फिर अपन खीरे लगाएंगे, खीरे के साथ में अपन मूली लगाएंगे और फिर इधर गोभी लगाएंगे। और इसी तरह से मल्चिंग के उस साइड में अपन फिर हरा प्याज लगाएंगे। तो ये सारी सब्जियां अपन ने यहाँ पे अभी स्टार्ट कर दी है लगाना, जैसे कद्दू लगा दिया। बाकी अपन थोड़ा सा मौसम का इंतजार कर रहे हैं, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो गया, बारिश हुई नहीं, टेम्परेचर वापस 40-45 तक चला गया। तो दोस्तों, आप भी इस तरह थोड़ा सा इन चीज़ों का भी साथ में ध्यान रखें, थोड़ा मौसम का भी ध्यान रखें। टेम्परेचर जल्दबाजी भी अच्छी नहीं है, ज़्यादा लेट होना भी अच्छा नहीं है, ज़्यादा जल्दबाजी करनी भी ठीक नहीं है। आप थोड़ा सा टेम्परेचर को डाउन होने दें या कंट्रोल में रहने दें, ऐसे समय में ही लगाएं, थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रख के चले ताकि नुकसान से बचा जा सके।
अभी 40-45 तक आपका टेम्परेचर चला गया था, तो ऐसे समय में थोड़ी मुश्किल हो जाती है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। साथ ही दोस्तों, आप मेरी तरह से थोड़ा सा अगर मंडी आपके नज़दीक है या बाज़ार आपके नज़दीक है जहाँ पे आप आसानी से सेल कर सकते हो, तो जिस तरह से मैं लगा रहा हूँ अलग अलग वैरायटी, वैसे आप अलग अलग वैरायटी भी लगा सकते हैं, जिससे फायदा रहता है कि अगर कोई सब्जी या तो किसी रोग के कारण से खराब हो गई या किसी और वजह से खराब हो गई, या कई बार बाजार भाव अच्छा नहीं मिलता तो उस वजह से नुकसान हो जाता है, तो दूसरी सब्जी उसकी भरपाई कर सकती है। तो आप अलग अलग अगर बेचने की सुविधा आपके आस पास में ठीक हो तो वहाँ ऐसी स्थिति में आप एक सब्जी के बजाय 2-3 या 4 सब्जियों के ऊपर जा सकते हैं। बाजार आपसे दूर है तो फिर आप अपने ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से सब्जियों का चयन करें कि आपको ट्रांसपोर्टेशन करने में किस तरह की सुविधा रहेगी, उस हिसाब से आप सब्जियां लगा सकते हैं। थोड़ा सा मौसम इस समय में ऐसा रहता दोस्तों कि कभी बारिश कभी तेज धूप, तो उस वजह से थोड़ी सी सक्सेस रेट कम रहती है, तो आप अच्छे बीज का, अच्छे खाद का, अच्छी दवाइयों का और थोड़ा खेती करने के तरीके में थोड़ा सा बदलाव करके थोड़ा वैज्ञानिक तरीके से खेती करोगे तो आराम से इन सब चीज़ों को मैनेज करके चलोगे तो आराम से सक्सेस हो सकते हो, कोई मुश्किल चीज़ इसमें नहीं है। तो आप भी इन तरह की सब्जियों की खेती करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। अब दोस्तों लास्ट में जाते जाते मैं आपको मेरी इस समय की जो सबसे फेवरेट चीज़ मैं बता रहा हूँ तो है हरा प्याज, जो कि बहुत ही मुनाफे वाली चीज़ है। इसके लिए आप बीज डाल के भी खेती कर सकते हो, डायरेक्ट बीज छिड़क के उसके द्वारा भी, तो उसमें आपके लगभग 2.5 महीने के आसपास का समय लगता है तैयार होने में, हरा प्याज बनने में। जबकि आप अगर उपलब्ध हो या आप प्याज की खेती करते हो तो जो भी बचा हुआ आपके ग्रेडिंग करने के बाद में जो छोटी साइज का प्याज बच जाता है दोस्तों, जिसको अपन कांदिया बोलते हैं, तो वो बची हुई रहती है, उनकी रुपाई आप कर सकते हो या वो बाजार से खरीद के आप रख सकते हो जिस समय कुत्ता है उस समय में। अभी तो भाव शायद उसके भी ज्यादा चल रहे होंगे, प्याज का भाव हाई है तो उस हिसाब से भाव चल रहे होंगे। तो अगर आप कांदियों से वो तैयार करते हो तो आपका 25 से 30 दिन के अंदर हरा प्याज तैयार हो जाता है, मार्केट में जाने के लिए बेचने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। आप उसके ऊपर रिपीट भी कर सकते हो कि आपने 1 महीने के लिए जैसे तैयार हुआ उसको खोदा, उस खोदते जाओ और साथ में दोबारा से लगाते जाओ, तो इस तरह से आप 2 से 3 बैच भी उसके ले सकते हो, कम जगह में बहुत अच्छा मुनाफा इससे कमा सकते हो और रेट भी बहुत ही अच्छी मिलती है इस समय में दोस्तों, तो आप इसकी भी आप खेती कर सकते हो। तो यही था दोस्तों आज का वीडियो। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें, कमेंट करें और चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।